नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। जेपीएससी को लेकर के हम लगातार वीडियो बना रहे हैं और अधिकांश लोगों ने पूछा था कि जेपीएससी का नोट्स हम कैसे बनाएं, कौन कौन सी किताबों को पढ़ें, कितना पढ़ना चाहिए, कितने घंटे पढ़ने से हो जाएगा तैयारी, क्योंकि 7वीं, 8वीं और 9वीं जेपीएससी एक साथ हो रही है। तो ये आपके लिए बहुत ही सुविधाजनक होगी कि 7वीं, 8वीं और 9वीं के लिए आप कैसे तैयारी करें। तो जेपीएससी के लिए नोट्स बनाना सबसे इम्पोर्टेंट है। नोट्स बनाने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं, ये ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ ये भी जानना है कि एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए कोई शॉर्टकट ट्रिक्स नहीं है, मतलब कि आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, आपको परिश्रम करनी होगी और टू दी पॉइंट करने के लिए एक तरीका अपना सकते हैं आप और बेसिक किताबों को पढ़ सकते हैं। बाजार में कई प्रकाशन की किताबें मौजूद हैं और हर में डेटा अलग अलग दिया हुआ रहता है। एक ही पुस्तक के अंदर चार अलग अलग खंड में अलग अलग डेटा होता है और इसको पढ़ते हुए बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन शुरू हो जाती है। एक बार वो कुछ और चीज़ याद करते हैं, दूसरी बार उनको डेटा में चेंजिंग नज़र आ जाती है। हम आज कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि आपकी ये सारी डाउट्स क्लियर हो जाए और जिस डेटा से कहाँ से पढ़ना चाहिए वो दिक्कत आपकी समाप्त हो। सबसे पहला चीज़ कि जेपीएससी की जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको समझना है कि झारखंड लोक सेवा आयोग को एग्ज़ाम लिखने वाले कौन हैं। जो एग्ज़ाम लिखने वाले सीरियस कैंडिडेट होते हैं वो यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे होते हैं, मतलब कि जो स्टूडेंट आईएएस यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनका टारगेट भी झारखंड लोक सेवा आयोग होता है। वो झारखंड के रहने वाले हैं अथवा नहीं है, लेकिन उनके दिमाग में रहता है कि लोक सेवा आयोग स्टेट कमीशन का हम लिखेंगे। इसलिए आपको अपनी तैयारी में इसको फोकस करना है, ये कभी नहीं समझना है कि हमारी जो फाइटिंग है जेपीएससी में वो जेएसएससी वाले बच्चों के साथ है, बैंकिंग वाले बच्चों के साथ है। ऐसा नहीं है, आपकी फाइटिंग उनके साथ है, भले ही फॉर्म भरने वाले 2 लाख हों, 3 लाख हों, लेकिन जो मूल फाइटिंग होती है बच्चों में वह 15 से 20 हज़ार स्टूडेंट के बीच ही होती है। आपको सबसे पहले वो 15 हज़ार से 20 हज़ार स्टूडेंट के बीच में आना है। सबसे पहला काम क्या करना है आपको कि जब आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस प्रकार से 4 कॉपी अपने पास बना लेंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 जनरल स्टडी के लिए, क्योंकि ये मेजर सेक्शन है, ऑप्शनल तो होता नहीं है झारखंड में। और एक लैंग्वेज के लिए कॉपी बना लेंगे और एक हिंदी इंग्लिश के लिए। तो आप सब मिला करके 6 मोटी मोटी कॉपी बना लेंगे और जो 6 मोटी कॉपी होगी उसी में तैयारी की शुरुआत कर देनी है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन जो होंगे उसी 6 कॉपी से आने की संभावना होगी। अब आपको ये ध्यान देना है कि जो 6 कॉपी आप बनाएंगे इसमें एक में हिस्ट्री ज्योग्राफी, एक में पॉलिटी एंड करेंट इवेंट की जो सेक्शन होती है, और दूसरे में इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लैंग्वेज, और एक स्पेशल कॉपी रखेंगे जिसमें सिर्फ आप झारखंड को लिखना है। तो मतलब कॉपी की संख्या 6+1 7 हो गई है आपके पास, ये 7 कॉपी होनी चाहिए और एक मैप जरूरी है, और वो मैप झारखंड का भी हो और भारत का भी हो, ये दोनों मैप आपके पास होगा तो आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। साथ में ध्यान देना है कि सबसे पहले एनसीईआरटी की पुस्तकों को आप खरीद लीजिए, ये कहीं भी मिल जाएगी या फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको भारत सरकार की साइट से जाकर के एनसीईआरटी में। अब एनसीईआरटी की किताब को किस लेवल से पढ़ना चाहिए, कहीं पर लिखा हुआ रहता है 6th क्लास से शुरू कर दीजिए, 7th से 8th से 9th से 10th से 11th 12th से। देखिए सारी एनसीईआरटी की किताबें ठीक हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी का मूल जानकारी जो है वो क्लास 9th से शुरू हो जाती है। अगर आप क्लास 6 से नहीं पढ़ पाते हैं तब, यानी कि अगर आप 6 से पढ़ते हैं एनसीईआरटी को, 6 से पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 6 से नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट आप 9th से लेकर के 12th तक का एनसीईआरटी ज़रूर से पढ़ेंगे, 9वीं से 12वीं तक का। सोशल साइंस की भी होनी चाहिए एनसीईआरटी, और सोशल साइंस के साथ साथ आपकी एनसीईआरटी जो हो वो बायोलॉजी वाला जो सेक्शन होता है, क्योंकि अब साइंस से भी तो क्वेश्चन आ रहे हैं तो बायो का भी आपको पकड़ना है। एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है, पहला है कि एनसीईआरटी को आप अंडरलाइन करके पढ़िए और उसमें अंडरलाइन जो करते हैं उसमें मेन डेटा पर ध्यान दीजिए, जो मूल कॉन्सेप्ट है। पढ़ने के बाद आप उसका क्वेश्चन देखेंगे और सारे क्वेश्चन आपसे बन पा रहे हैं, ऐसा नहीं करना कि सिर्फ रीडिंग करते जाना, आपने पढ़ा
और पढ़ने के बाद एनसीईआरटी पुस्तक की आपको क्वेश्चन देखनी है इसकी, कि इसके क्वेश्चन पर आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन आपसे बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे, चाहे वो लॉन्ग आंसर दिए हो चाहे शॉर्ट आंसर दिए हो, एकदम गहराई के साथ उसको लिखना है। अब आप यहाँ पर कॉपी की मदद लेंगे, जो आपने चार कॉपी जीएस के लिए बना रखी है, तो एनसीईआरटी अगर आप सोशल साइंस पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री वाले जो सेक्शन है उसमें क्वेश्चन लिखना शुरू कर दीजिए। ये लिखने के बाद आप एनसीईआरटी जब पढ़ लेंगे तो फिर जैक बोर्ड की किताबें पढ़िएगा जरूर। जैक में चूंकि एनसीईआरटी ही चलती है, लेकिन कुछ कुछ झारखंड एकेडमिक काउंसिल की अपनी भी किताब होती है, इसमें झारखंड से संबंधित आपको डेटा मिल जाएगा, इसलिए जरूरी होता है। जैक बोर्ड के साथ में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना है, जो पिछले वर्ष जो आया हुआ है, अभी तक झारखंड का कुल मिलाकर के 6 प्रारंभिक परीक्षा हो चुकी है और उसका मेंस भी हो गया है, तो ये चीज़ों का क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएगा और आप विनय आईएएस एकेडमी के वेबसाइट पर भी जाकर के क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं। तो ये जब क्वेश्चन बैंक आप देखेंगे, पीटी और मेंस दोनों का देखिएगा, और इसके साथ आप भले आईएएस का एग्जाम नहीं लिख रहे लेकिन ध्यान रखना है कि स्टेट कमीशन में अधिकांश जो क्वेश्चन होता है स्टेट कमीशन का, वो क्वेश्चन आता कहाँ से है, वो आता है यूपीएससी के पेपर से। तो यूपीएससी का पेपर इसलिए हम बता रहे हैं कि उसके क्वेश्चंस पे ज़्यादा मेहनत करना है, ज़्यादा गहराई से समझना है, और जब उसको लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी तो स्टेट कमीशन वाले क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। देखिए बहुत ज़्यादा किताब नहीं पढ़नी है, मैं बार बार बताएंगे आपको, लास्ट में मेमोरी आपको रखना है, इसलिए जितना ज़्यादा किताब पढ़ लीजिएगा उतनी मुश्किल आएगी। तो लोग बताने का बता देते हैं कि हमने 50 किताब पढ़ा था, या फिर पॉलिटी में ही 10 किताब पढ़ लीजिए, ज्योग्राफी में 20 किताब पढ़ लीजिए, सारी किताबें तो आप पढ़ लीजिएगा लेकिन फिर मेमोराइज कैसे करेंगे, सबसे बड़ा प्रश्न उठ जाता है और यही दिक्कत की बात हो जाती है। यूपीएससी और जेपीएससी का जब क्वेश्चन बैंक होगा तो उससे आपको डायरेक्शन और रास्ता पता चल जाएगा। उस डायरेक्शन के बाद जब ये पुस्तक पढ़ लेंगे, अब सवाल उठता है कि किस पुस्तक को रेगुलर पढ़ना चाहिए, इसके लिए योजना और कुरुक्षेत्र, ये दो मैगजीन भारत सरकार की जो होती है बहुत अच्छी मैगजीन है, और ये हर बार कुछ ना कुछ विशेषांक होता है, तो आप इसको पढ़ेंगे, और अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो हमारी जो वेबसाइट है विनय आईएएस एकेडमी वाली, उसमें जाकर के आप इसका जो निचोड़ है वो आप इसमें देखेंगे, योजना का और कुरुक्षेत्र का निचोड़ जो है वो। नेक्स्ट है कि टॉपिक वाइज आपको इसमें दिया हुआ है, इसलिए आपको भी जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे और जिस टॉपिक से क्वेश्चन है उस टॉपिक को योजना, अगर मान लें कि 3 योजना में इस प्रकार की जानकारी दी हुई है, 1 कुरुक्षेत्र में है, तो सबको एक साथ मिक्सअप करके आप अपना नोट्स बनाइएगा तो नोट्स बहुत बेहतर हो जाएगा। इस चीज़ को हमेशा ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा गाइड बहुत ज़्यादा प्रकाशन को नहीं पढ़ना है, सीमित सामग्री पढ़नी है, और इसलिए हमने आपको बताया योजना कुरुक्षेत्र करना है। न्यूज़पेपर का आजकल एनालिसिस बहुत जगह से आ जाता है, तो सारी न्यूज़पेपर आपको अब स्टडी करनी ही नहीं है क्योंकि इसका एनालिसिस मौजूद है, चाहे वो हिंदू न्यूज़पेपर हो चाहे वो हिंदी का कोई न्यूज़पेपर हो, सारी की एनालिसिस होती है, तो आप इस पर भी ध्यान आसानी से दे सकते हैं। नेक्स्ट होता है कि दूसरा बुक, जो अदर बुक है, तो इस पर बहुत ज़्यादा और मैगजीन पर बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देना है, इससे क्या होगा कि आपका भटकाव होगा, आपके पास मूल कॉन्सेप्ट नहीं बन पाएगा। आप इतने पुस्तकों का अगर अध्ययन कर लेते हैं तो जानकारी आपकी काफ़ी हो जाएगी। लोग लिखने का लिख देते हैं कि हमने डीडी बसु पढ़ लिया, सुभाष कश्यप पढ़ लिया, फाड़िया पढ़ लिया, बट जब आप उनसे क्वेश्चन पूछने लगिएगा तो कुछ भी नहीं बता पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है पहला कि आप इन पहले बेस बना लीजिए, भले इसको बनाने में 1 मंथ लगे, 2 मंथ लगे, 3 मंथ लगे, लेकिन ये निर्णय आपको लेना है कि बेस हमें बनानी है, और बनाने के बाद एक एक रेफरेंस बुक की फिर ज़रूरत पड़ेगी जो अभी नहीं चाहिए, पहले आप सारी का बेस तैयार कर लीजिए। अब देखिए इसके बाद जो झारखंड है, झारखंड इसलिए ज़रूरी है कि आप तो एग्ज़ाम ही लिख रहे हैं, और ये झारखंड के एग्ज़ाम में पीटी हो या मेंस हो, ये दोनों पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है, पीटी और मेंस दोनों पर। तो झारखंड में ध्यान ये देना है कि पीटी में तो एक पूरा पेपर ही आपको पता है, और मेंस में जो 4 पेपर है सारे में झारखंड इंक्लूड किया हुआ है। अगर आप पॉलिटी देखेंगे तो झारखंड का
राजनीतिक घटनाक्रम उसमें इंक्लूड किया हुआ, झारखंड का इतिहास इंक्लूड है। तो अगर आप ये झारखंड के लिए जो आपने एक कॉपी बनाई है, और इसमें भी कई पुस्तक हैं झारखंड में, कई पुस्तक हैं इन द सेंस कि मार्केट में बहुत सी किताबें मिल जाएंगी, इसके लिए बेहतर ये होगा कि आप पहले तो झारखंड का एक मैप ले लें। जैसे यहाँ पर देखिए, आप मैप देख लें, ये जो मैप आपको दिख रहा होगा, तो इससे संबंधित आपको जानकारी ये करना है। जब झारखंड के मैप पर आप फोकस रहेंगे तो आप जब भी पढ़ेंगे उसके पहले एक बार ये रखना, और इसको मैप को हर कॉपी में ऊपर में अपने से एक नक्शा बना लीजिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि पूर्वी सिंहभूम कहाँ है, गढ़वा कहाँ है, साहिबगंज कहाँ है। जब ये लोकेशन क्लियर होगा तो पढ़ने में आपको इंटरेस्ट जगेगा, झारखंड के घटनाक्रम को समझने में इंटरेस्ट होगा, और ये किसी प्रकार से भारत की मानचित्र भी आपके पास होनी चाहिए। और जब भारत का मानचित्र आपके पास होगा, देखिए तो भारत में झारखंड हो गया, और फिर झारखंड में डिफरेंट चीज़ों को देख लें, तो भारत के मानचित्र को आपको अपने साथ में रखना है, जिससे आप बता पाएंगे कि कौन सा पोर्शन कहाँ है, कहाँ घटनाक्रम हो रहा है। तो राष्ट्रीय और वर्ल्ड मैप आपके लिए जरूरी होगा, ये तीन नक्शा आपके घर पे होना चाहिए परमानेंटली। एटलस के अलावा, एटलस को हमेशा खोलना है, लेकिन ये वॉल में अगर रहता है नक्शा तो आप एक बार देख लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा, ये निश्चित है। झारखंड में मैप, सामग्री और तथ्य, ये तीन चीज़ें हैं। किताब के साथ करेंट डेटा जरूर देखिएगा, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि एक ही जानकारी झारखंड की एक ही पुस्तक में अलग अलग जगह पर अलग प्रकार से दी हुई है। कहीं पर डेंसिटी में नाम किसी और जिले का है, दूसरे पन्ने पे किसी और जिले का है। कहीं लिटरेसी में नाम किसी और जिले का है, दूसरे पन्ने पे किसी और जिले का है। और बाजार में अगर 10 ऐसे पुस्तक अवेलेबल है तो 10ों में जानकारी अलग अलग है। इसलिए आप ठोस जानकारी तो कोई भी पुस्तक से ले सकते, इतिहास तो नहीं बदलेगा, जो बेसिक ज्योग्राफी है नहीं बदलेगा, लेकिन करेंट डेटा जो होता है इसके लिए आप सेंसस देखेंगे जरूर से। और ये सेंसस जो होगा ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जनगणना जो होती है उसकी जो डेटा होती है ओरिजिनल होती है। तो इससे जब तक आप कोरिलेट नहीं करते हैं करेंट डेटा को, तब तक सामग्री की तैयारी मत करिए। बेसिक कॉन्सेप्ट किताब देगा और डेटा आपको सेंसस से मिलेगा या फिर झारखंड सरकार के साइट से मिलेगा। झारखंड सरकार की जितनी योजना है ये जरूर से देखेंगे, करेंट योजना, और उससे क्वेश्चंस रहते हैं। अब लैंग्वेज पेपर को 150 नंबर का मेंस में है, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप जिस लैंग्वेज को चुन रहे हैं उसकी तैयारी अभी से शुरू करना है। हमने देखा कि जब छठी वाली मेंस हो रहा था तो लोग लास्ट मोमेंट में 15 दिन पहले तैयारी शुरू करते हैं लैंग्वेज का, जो बहुत मतलब गलत ट्रैक होता है। अगर आप 150 नंबर कम नहीं है, अगर आप अभी से उस पर लगेंगे, कुछ कुछ चीज़ भी पढ़ने लगेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। बहुत से व्यूअर पूछते हैं कि कितना घंटा पढ़ना चाहिए। देखिए, घंटा से ज़्यादा जरूरी क्वालिटी होता है कि अगर आप 3 आवर्स भी पढ़ रहे हैं, 4 आवर्स भी पढ़ रहे हैं, तो उसमें कितना आपने दिल से पढ़ाई किया, कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई किया और टू दी पॉइंट पढ़ाई किया, ये आपको देखना है। इसके साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि जब आप तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं तो क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं, आपके दायरे से आ रहा है कि नहीं, देखिए डेली क्वेश्चन बैंक हमने इसलिए बोला पढ़ने के लिए। आप तैयारी करते रहिए और क्वेश्चन बैंक जरूर देखिए, क्योंकि जब क्वेश्चन बैंक आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं उससे हमारा प्रश्न बन रहा है और इसमें कहीं दिक्कत नहीं हो रही है। तब क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। आपको अभी कोई टेस्ट नहीं देना है कि आप तैयारी भी नहीं की और कोई भी टेस्ट दे दिए। टेस्ट का एक लेबल भी समझना है। जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो विदाउट एनी लेबल आपको टेस्ट कभी मत दीजिएगा, इसका नुकसान होगा आपको। कभी कभी क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, कभी इजी क्वेश्चन मिल गया तो सुपरलेटिव आ जाएगा, सुपरलेटिव लगने